के लिए चार बच्चों के साथ घर से निकाल देने का आरोप पीड़िता ने एसपी से लगाया न्याय की गुहार। बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के गंधरिया फैज निवास ने रेशमा पत्नी गुफरान ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया। एसपी को दिए पत्र में रेशमा ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के साथ ही पति द्वारा उसकी हत्या करने की रची साजिश, उसने दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर अपने बच्चों के जान माल की रक्षा की गुहार लगाई। एसपी को दिए पत्र में रेशमा ने कहा कि उसके साथ ही वर्ष 2010 में गुफरान पुत्र छोटक ग्राम गंधरिया फैसाना वाल्टरगंज के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार लगभग 2 लाख रुपये का सामान और 1 लाख रुपया नकद दिया। तभी से और दहेज की मांग करते हुए पति गुफरान, जेठानी रजिया, पत्नी अब्दुल नंद, अमीना पत्नी स्वर्गीय अब्बास भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारते पीटते थे। रेशमा ने कहा कि जान से मारने की धमकी देते और प्रार्थनी से वैश्यवृत्ति कराने के लिए दबाव बनाते थे। आइए दिखाते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। कह कहाँ की रहने वाली है? रेशमा नाम है मेरा, रोजोवा की रहने वाली हूँ और गनरिया फर्ज में मेरी शादी हुई और मेरे जेठानी और मेरी नंद मेरे साथ बहुत ज्यादती किए। मैं मेहनत मजदूरी, मेरा आदमी नहीं देता था, मैं मेहनत मजदूरी करती थी तो मेरे साथ मैं करके आती थी तो मेरे वो घर में मिलके सब मारते थे और इसी से मैं तंग हो गई। एकदम मेरा आदमी छोड़ के हम लोग को भाग गया। आदमी कहाँ गया आपका? मेरे आदमी को भगा दिए थे सऊदी। तो इतनी बड़ी बेटी थी मेरी, 6 महीने की, तभी मेरा आदमी भागा है मेरे घर से। अब मुझे क्या बोलते हैं, टॉर्चर करें सब लोग दहेज के लिए, मारपीट मेरे साथ है, मेरे बच्चे लोग को मारे। मैं अपने बच्चे लोग को छोड़ के, अपने बच्चे लोग को लेके मैं अपने माँ के इधर चली गई, उधर रहने लगी। फिर मुझे मालूम पड़ा कि मेरा आदमी सऊदी से वापी आया है तो मैं वापी गई तो मैं अपने आदमी को पकड़ी तो उस पर मेरी जेठानी बोली मैं तेरे सीने पे चढ़ के उसको घर में रखूँगी। उधर से भाग के इधर रहुजवा गनरिया आया और मुझे घर में रहने नहीं दे रहा। इतना झगड़ा लपड़ा सब कुछ भैया, मैं थाने में भी गई, मेरी सुनवाई कुछ नहीं हुई। नहीं, जब आपने, आपके पति ने दूसरी शादी की तो आपने इसकी शिकायत की कहीं? बहुत जगह की, मैं थाने पे दौड़ दौड़ के आती थी, मेरी शिकायत थाने पे है लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आपको दहेज के लिए कौन प्रताड़ित कर रहा है? मेरी जेठानी और मेरी नंद, ये दो इंसान मेरे को बहुत तंग किए मेरे साथ में। मेरे बच्चे लोग को घर में से निकाल दिया, मारम पीटी सब कुछ किए। जो शिकायत आपने पुलिस अधीक्षक के यहाँ दिया है तो इसको लेकर के जो है आप क्या चाह रही हैं? मैं यही चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे लोग का इंसाफ चाहिए। मेरे चार बच्चे हैं, मैं कहाँ से करके खिलाऊंगी? एक बेटी मेरी अपाहिज है, इसका हफ्ते में दवा लगता है, मैं क्या करूँ? इतनी बेटी मेरी शादी करने वाली, इसकी शादी 2-3 साल में होगी, मैं कहाँ से पूरा करूँगी?